हमारी समस्याएं क्या है और जो समस्याएं कौन क्रिएट कर रहा है, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लेरिफाई किया वॉल्यूम नंबर 5 में पेज नंबर 344 पर। उन्होंने लिखा कि अछूतों के आंदोलन का मतलब ठाकुर ब्राह्मण बनिया के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए, और जब तक आप खुला युद्ध नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह से ब्राह्मण प्रचारित करता है सबका मालिक एक, और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं सबका दुश्मन एक ब्राह्मण, और सारी समस्याओं की फसाद, सारी समस्याओं की जड़ केवल ब्राह्मण बैरी है। तो जब तक आप इस बैरी के खिलाफ खुला युद्ध नहीं लड़ोगे और उसकी तैयारी नहीं करोगे तब तक आप भीम संसद नहीं, दुनिया भर की संसद बना लो, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। हमें तैयारी करनी पड़ेगी, इस गेम में हम कोई तैयारी नहीं कर रहे, ना तो हमारी किसी की साइंटिफिक स्टडी है, ना साइकोलॉजिकल स्टडी है, ना साइकोलॉजिकल स्टडी, किसी भी प्रकार की किसी के पास कोई स्टडी नहीं। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जो हमारा मूवमेंट है ना इंटेलेक्चुअल लेवल पर चलना चाहिए, हम लोग अपने अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पैदा ही नहीं कर रहे, नाम पैदा करना चाह रहे, जो पैदा होगी नहीं फसल पैदा होगी। निश्चित रूप से यहाँ 90% लोग रिटायर्ड बैठे हुए, रिटायर्ड लोग बैठे हुए, ये रिटायर्ड लोग इस एज में इंटेलेक्चुअल बनेंगे तो हमें रिजल्ट क्या देंगे। आप मेरे जैसे बच्चों को और रामदयाल अहरवाल जी जैसे लोगों को या अपने बच्चों को तैयार कीजिए ना, जो युवा है वो ही परिवर्तन ला सकता है। आप अच्छा मार्गदाता बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, आपका आशीर्वाद हम लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो तैयारी है वो हमें युद्ध की करनी पड़ेगी। यदि हम नहीं करेंगे तो हम बेमौत मरने के लिए तैयार रहे। और ब्राह्मण बैरी ने हमारे खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ रखा है, वो कभी यूपी में मर्डर करता है, कभी उत्तराखंड में, कभी उड़ीसा में, हर दिन हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य में मर्डर हो रहे हैं, हमारी महिलाओं के रेप हो रहे हैं, सिर्फ करवा रहा है तो वो एक कारण जो मैंने बताया। जब तक इस कारण का निवारण नहीं करेंगे, और बुद्ध ने भी कहा है कारण है, कारण का निवारण है, और जब तक आप कारण का निवारण नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम हजारों मीटिंग करते रहे, बैठे करते रहे, कोई लाभ नहीं। और दूसरी बात, हम जो भी बात कर रहे हैं वो अहम है, और अहम बात हमेशा सीक्रेट होनी चाहिए। जब तक आपकी पॉलिसी सीक्रेट नहीं होगी आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते हैं। यह कुछ सीक्रेट है ही नहीं, पता नहीं इसमें ब्राह्मण बैठा हो, मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा हूं, बातें रिकॉर्ड की जा रही है वहां तक पहुंचेगी। अरे कम से कम हम अपनी प्रेस पर, निजी स्थान पर और गोपनीय तरीके से मीटिंग संपादित करें, तब हम वहां अपनी बात को खुल के रख पाए। हमें करना क्या है, जब तक हम इस तरह की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है हमारे खिलाफ तैयारी करता है वो कभी भी खुले तौर पर सार्वजनिक संस्थाओं में मीटिंग नहीं करता, ना उसकी मीटिंग में कोई भी पत्रकार या मीडिया करके घुस सकता। उनकी मीटिंग सर रात में होती है, और रात में वो प्लानिंग करके एग्जीक्यूट कर देते हैं, पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। योगी जब से मुख्यमंत्री बना है तब से 4000 एनकाउंटर हुए, उसमें अहीर, चमार और मुस्लिम, इनके एनकाउंटर हुए, 3000 अहीर मारे गए। अब हम लोग कल्पना करें, यदि एक साथ सारे अहीर ही अगर पूरे यूपी के लड़ने के लिए आ जाते, उसमें कितने मारे जाते, ज्यादा से ज्यादा 500-1000 योगी का बाकी योगी उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गया था। लेकिन हम उस स्तर की तैयारी नहीं कर रहे, और ना उस स्तर की हमारी थिंकिंग है। जब तक उस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम रोज मर रहे हैं, मरते रहेंगे। और ये जब समाधान चाहते हैं तो हमें कारण का निवारण करना पड़ेगा, और इस विषय पर जो कारण का निवारण है उसकी बहुत स्टडी की है मैंने, साइंटिफिक स्टडी, साइकोलॉजिकल। जो दुश्मन की जब तक आप साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं करेंगे, साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे, तब तक उसे परास्त नहीं कर सकते। ये युद्ध है, युद्ध चल रहा है, अनवरत चल रहा है, आपको युद्ध के तरीके से लेना पड़ेगा।
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।